बेकार ही आई सी 81 पर मैंने नहीं देखनी और ना मैं देखूंगा, क्योंकि मेरा फिर वो दोबारा फ्लैशबैक उसमें पहुंच जाता हूं तो मैं नहीं देखूंगा। हमारे हिंदूज हैं उनको लगा होगा कि ये नाम उन्होंने इस्लामिक रखे, पर एक्चुअल में रखे हुए थे। देखिए पूरे नाम तो अब मैं नहीं याद है, जैसे बर्गर था, भोला था, शंकर था, एक्चुअल ये नाम थे, डॉक्टर कहते थे तो थे, ऐसा नहीं है, चीव था, तो ये एक्चुअल यही नाम थे उनके, वो आपस में जो बातचीत करते थे इसी नाम से करते थे। मैसेज तो वही था, वो बेसिकली इस्लाम को अपनाने के लिए कह रहे थे बार बार, जो अंदर जो है वो अपने एक उनकी थी, ऐसा कुछ नहीं है। नेटफ्लिक्स पे एक आ रही है इसी 81 पर मैंने नहीं देखनी और ना मैं देखूंगा, क्योंकि मेरा फिर वो दोबारा फ्लैशबैक उसमें पहुंच जाता हूं तो मैं नहीं देखूंगा। बड़ी मुश्किल से वो रिकवरी हुई है तो मैं उसको देखना नहीं चाहूंगा। जो है फिर वही पुराने, वही दिन, वही पुराने जैकिंग, वो जैसे कोई भी चीज़ आ जाती है दोबारा इलेक्शन होते हैं तो वो चीज़ नहीं मैं देखना चाहता। राकेश कटारिया मेरा नाम है और मैं आईसी 814 का पैसेंजर जब हाईजैक हुआ था उसमें था। हम हनीमून के लिए काठमांडू गए थे, काठमांडू से आते हुए हमारा जो है प्लेन हाईजैक हुआ था उसके अंदर जो है। ये देखिए जब हम काठमांडू से बैठे थे तो हमारा इंडिया आना था हमने वापस दिल्ली में, तो रास्ते में उन्होंने जब कहा कि हाईजैक हो गया तो हमने सोचा शायद ये हाईजैक का एक हाईजैक नहीं है, हमने सोचा उस टाइम जो दिसंबर था महीना था, हमने कहा कुछ और सेलिब्रेशन या कुछ उनका एक इवेंट है, बट बाद में जब वो बड़े स्ट्रॉन्गली उन्होंने बोला तो हमें महसूस हुआ कि नहीं हमारा प्लेन जो है हाईजैक हुआ है। जो है किस तरीके की स्थिति थी पहले तो लोग नहीं डरे थे, हम सब जो हैं उसमें क्योंकि न्यूली कपल थे सारे उसके अंदर, क्योंकि वो सारा हनीमून कपल सारा ही भरा हुआ था उसमें 80-90% जो है, तो उसके अंदर फिर लोगों को जब 3-4 दिन के बाद, 2 दिन, 1 दिन के बाद हमें काफ़ी महसूस हुआ कि हाँ ये हाईजैक और बड़ा, पर हमें नहीं पता था कि बाहर इतना कुछ हो रहा है, हमें तो जस्ट सिंपल फिल्मों में देखा था वही चीज़ थी जो है। एक मेरे साथ मेरी वाइफ, क्योंकि हम इकट्ठे हनीमून, बताया मैंने पहले आपको हनीमून के लिए गए थे, तो बाकी उसमें काफ़ी पैसेंजर जो थे हनीमून थे, क्योंकि उसमें सबने चूड़े चाड़े डाले हुए थे, काफ़ी लोग नहीं हैं। तो इसलिए अमृतसर में भी रुका है काफ़ी देर तक? हाँ अमृतसर में रुका या जहाँ भी रुका, हमें उसके बारे में इतना नहीं, क्योंकि हम तो अंदर थे, बाहर शोर होता था रुका या नहीं रुका, हमें इतना ज़्यादा नहीं महसूस होता था उस टाइम। बाहर आके चीज़ें पता चली, ये चीज़ें हैं वो हैं जो अब हम कह सकते हैं, जो है उस टाइम हमें इतना ज़्यादा नहीं पता था। हाँ वो तो पुराना पूरा जो हम 7-8 डेज जो उसी में ही रहे हम जो सारे जो हैं। खाने पीने का तो कुछ ऐसा नहीं था, 3-4 दिन के 5 दिन के बाद जो उन्होंने एक रोटी कह लो कि बड़ा मांस या वो जो रोटी दी जो हमें वो है, बट खाने पीने कुछ नहीं था, उनका इंतजाम ही नहीं था, पर हमारे जो एयर होस्टेस थी बड़ी कोऑपरेटिव थी, उन्होंने जो हो सकता था वो किया। तो सर जैसे अमृतसर में वो रुका तो उस टाइम क्या मानते हैं आप गवर्नमेंट फेलियर किस तरीके से कि उन्होंने के इस चीज़ की, हर एक की अपनी ओपिनियन है, जिसका बच्चा या जिसका कोई फादर मदर कोई रिलेटिव उसके अंदर है तो उसको अपनी जान सबसे प्यारी है, फिल्मों में ये होता है, बट रियलिटी में क्या है क्या नहीं वो एक अलग इश्यूज हैं, और रियलिटी और फिल्मी में फ़र्क है इसके बारे में। देखिए मेरे मानने या ना मानने से ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम जो था गवर्नमेंट ने किया होगा, जो स्टेप लिया होगा सोच समझ के लिए होगा, वो बड़े इतने पॉलिटिकल बंदे थे, इतनी सोच वाले गहरे बंदे थे, उन्होंने लिया होगा जो स्टेप लिया होगा गवर्नमेंट के अपने इंडिया के हित में लिया होगा, जो भी लिया होगा। फिल्म भी आ रही है सर इसके ऊपर और उसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो हाँ देखिए एक फिल्म जो आजकल सुन नेटफ्लिक्स पे एक आ रही है आईसी 814 पर मैंने नहीं देखनी और ना मैं देखूंगा, क्योंकि मेरा फिर वो दोबारा फ्लैशबैक उसमें पहुंच जाता हूं तो मैं नहीं देखूंगा। बड़ी मुश्किल से वो रिकवरी हुई है तो मैं उसको देखना नहीं चाहूंगा। जो है फ्लैशबैक में चले जाते तो किस तरीके फिर वही पुराने, वही दिन, वही पुराने जैकिंग, वो जैसे कोई भी चीज़ आ जाती है दोबारा इलेक्शन होते हैं तो वो चीज़ नहीं मैं देखना चाहता। अभी आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बेटा बेटी हैं मेरे जो हैं। उनको बताते हो आप किस तरीके से हुआ? हाँ देखिए शुरू शुरू में जब सब कुछ उनको तो फैमिली को तो सब पता ही है, मेरे फैमिली बच्चे जो हैं सबसे नियर डियर होते हैं उनको पता है, उनको बताया सब कुछ मैंने जो है, बट अब दोबारा उस चीज़ को मैं नहीं करना चाहता। जो है जैसे अब आप अंदर थे आपकी फैमिली को पता था कि आप ऐसे ऐसे नहीं, उनको इतना बाद में पता चला, पहले इतना नहीं मालूम था कि हम कहाँ हनीमून के लिए गए हैं कहाँ नहीं वो, पर बाद में तो पूरा ही ऐसे पूरा ही शौक पूरा हो ही गया, सारी सारी में ही पता चल गया, पर पूरे इंडिया में ही हो गया। तो टोटल कितने हाईजैकर्स थे उसमें? वही 4 थे हमारे जो हैं, 5-5 थे उसमें जो हैं, 5 हाईजैकर से। जैसे वो आजकल ये कंट्रोवर्सी बड़ी है कि नेम की कि ऐसा नेम था, वो सुनने में आया मैंने, क्योंकि मैंने देखी तो नहीं है बट मूवी, बट कंट्रोवर्सीज बहुत आ रही हैं उसमें जो है।
हाँ बेसिकली उन्होंने निक नेम रखे हुए थे उसको अपने, जैसे हम किसी का भी अपना नाम उन्होंने एक बदल के नाम रखे हुए थे, बट रखे हुए थे जेन्युइन जो नाम थे, जो रियल नाम वो और होंगे उनके जो हैं, बट जो उन्होंने निक नेम रखे हुए थे वो यही थे। जिस टाइम आपको छोड़ा गया तो उन्होंने क्या कुछ मैसेज दिया, कुछ किस तरीके? नहीं ऐसा जो, क्योंकि मैसेज दिया बट हम तो इतने खुश थे, हमने उन चीज़ों के वक्त देखा ही नहीं। जसवंत सिंह जी जो हमें लेने आए थे, तो हम 8 दिन के बाद जब हम उठे हैं तो मैसेज तो वही था, वो बेसिकली इस्लाम को अपनाने के लिए कह रहे थे बार बार, जो अंदर जो है वो अपने एक उनकी थी, ऐसा कुछ नहीं है बाकी। उनमें जो मेन था वो कौन सा, क्या नाम था उनका जो मेन था? देखिए सारे मेन थे वो, सब उनका ही बेसिकली कंट्रीब्यूट था, जो पांच थे पांचों के ही कंट्रीब्यूशन से सब हो रहा था, जो है उनके जो है सारे थे। तो जैसे आपको बाहर आके पता चला कि अमृतसर में हमारा प्लेन रुका है, तो उसमें आपको लगता है कि गवर्नमेंट ड्रॉप सकती है? देखिए गवर्नमेंट के अपने इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी इतना जल्दी प्रिपेयर नहीं होता कि ये चीज़ हो सकती है। उस टाइम ये चीज़ें नहीं थी, आप 25 साल पहले को कि ऐसा इतनी चीज़ें होंगी, तो ऐसा नहीं है। उस टाइम सोचने और देखिए, एक उस टाइम सोचने और आज के सोचने में बड़ा फ़र्क है। उस टाइम क्या था, गवर्नमेंट के क्या हालात थे, उनकी क्या पोजीशंस थी, वो गवर्नमेंट ने किया होगा जो अपनी तरफ से, हर कोई बेस्ट करता अपनी कंट्री के लिए, गवर्नमेंट क्यों नहीं करेगी। तो सर जैसे फिल्म की बात करें, फिल्म में सब कुछ दर्शाया गया है कि इस तरीके से था, ऐसे ऐसे हाईजैक हुआ, क्या कहेंगे कि ऐसी फिल्में आनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए? देखिए आनी चाहिए लोगों को पता, जो उस पैसेंजर में हम जो थे, पर्सन थे वहाँ बैठे हुए थे, पैसेंजर्स थे, उनकी फैमिलीज़ ने भी, हमारी फैमिलीज़ ने भी बहुत सेक्रीफाइस करा है, बहुत हर कोई करता है जो है, तो उन्होंने भी करा है, पता चलना चाहिए। बट जस्ट लाइक एक ठीक है, ये किसी के साथ भी इंस्टेंट जो हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे अगर मूवी की बात करें तो मूवी में देखने के बाद उनको रियलिटी का पता चल रहा है, भोला शंकर के नाम के ऊपर चर्चाएँ हो रही है, तो क्या? हाँ नहीं देखिए वो अलग, देखिए पता नहीं था किसी को, देखो जो हमारे हिंदूज हैं उनको लगा होगा कि ये नाम उन्होंने इस्लामिक रखे, पर एक्चुअल में रखे हुए थे उन्होंने, अब उसका क्या ऐसा कुछ वो नहीं है, उन्होंने एक निकनेम रखे हुए थे, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा होगा जो है, नाम के लिए जो है। नाम याद है आपको सभी? देखिए पूरे नाम तो अब मैं नहीं याद है, जैसे बर्गर था, भोला था, शंकर था, एक्चुअली नाम थे, एक डॉक्टर कहते थे तो थे, ऐसा नहीं है, चीव था, तो ये एक्चुअल यही नाम थे उनके जो है, वो आपस में जो बातचीत करते थे इसी नाम से करते थे। हाँ वो उसमें काफ़ी पैसेंजर्स के थे जन्मदिन जो है, मेरी वाइफ का भी वहाँ पर उन्होंने सेलिब्रेट करा, हमने एप्पल काट के सेलिब्रेट करा उसमें टाइम जो है, उसके बाद काफ़ी पैसेंजर्स के थे उसमें, हमने सेलिब्रेट करे जो है उसमें। हाँ हाँ देखिए जब 3-4 दिन के बाद हो गया कि जिसका बर्थडे है या जिसका भी जो भी ओकेजन है, वो खड़ा हो कहता था आज मेरा बर्थडे है, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो वो होती थी जो है, ऐसा नहीं है, तो वही एक एप्पल वगैरह काट देते थे, वही था, और तो खाने कुछ था नहीं ऐसा। अच्छा देखिए वो जब खड़े हुए हैं, जब था तो किसी ने दिया छोटा मोटा, वो एक दूसरे को जैसे हम यहाँ देते हैं फॉर एक दिया सर, किसी ने दिया, कोई ऐसा नहीं। तो अभी क्या मैसेज देना चाहोगे आपको, मूवी आ रही है और उस पर कंट्रोवर्सी हो रही है, आपके साथ बीती है ये चीज़ें, तो क्या मैसेज? देखिए बीती है हमारे साथ, वो बहुत थोड़े पर्सन भी बीती है और देखने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि हमारी राय ना मिले, बट जो मूवी में होगा मैंने देखी नहीं है, मैंने पहले बताया आपको ना मैं देखूंगा, तो वो जो नाम वाली कन्फ्यूजन है वो मैं, वो ओके है, उसमें उन्होंने जो दिखाया होगा नाम इंडियन रखे हैं, वो हिंदू रखे हैं, तो वो असल में एक्चुअल में थे वो जो है। मैं मूवी नहीं देखूंगा तो इसलिए नहीं देख पाएंगे। हाँ क्योंकि वो फ्लैशबैक में बताया मैंने, जो पीछे उसमें चले जाते हैं पिछले दौर में, तो मैं नहीं देखना चाहूँगा, बाकी देख रहे हैं ठीक है। मूवी में बताया जा रहा है कि जिनको मारा गया है, डीप कट दिया गया है, वो सामने दिया गया है सभी पैसेंजर्स के, ऐसा था? नहीं ऐसा पैसेंजर्स के सामने तो नहीं दिया गया, क्योंकि प्लेन बड़ा था तो हम पीछे थे, तो आगे भी दिया गया होगा तो हमें नहीं पता, बट पैसेंजर्स के सामने ऐसा उन्होंने कुछ नहीं करा, वो मैं अंदर कॉकपिट में लेके उन्होंने जो करा होगा करा होगा। लास्ट कैजुअलिटी तो एक ही हुई हमारी जो है, रूपिन कत्याल जी की हुई थी जो है। तो सामने नहीं की उन्होंने? नहीं नहीं सामने नहीं करी उन्होंने, देख कुछ चीज़ें आप समझते हो, कुछ चीज़ें भी उनको दिया गया होगा, कुछ मोड फिल्मी मोड दिया होगा, कुछ 100% तो एक्यूरेसी किसी भी चीज़ में नहीं होती, बट एक जो मेन थीम है वो उन्होंने दिखाई होगी उसको जो है, मेन जो है।